हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा देसी हिबिस्कस का प्लांट, और देखिए इस पे कलियाँ कितनी आ रही है। डबल पेटल है फ्रेंड्स, ये फ्लावरिंग तो अभी छोटी छोटी सी हो रही है इसमें, लेकिन कलियाँ देखिए आप कितनी सारी निकली हुई हैं। फ्रेंड्स, मैंने गार्डन का न्यू लुक हो गया तैयार, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा गार्डन देख के अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक प्लांट्स रख रखे हैं जो परमानेंट प्लांट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सदाबहार है, एक्जोरा है, और ये हिबिस्कस है। फ्रेंड्स, एक क्रोटोन को प्लांट भी रख रखा। फ्रेंड्स, इसकी सारी पत्तियाँ बेकार हो गई है ठंड की वजह से, इस वजह से मैंने इसे यहीं छोड़ दिया। इस अमरूद के पेड़ के नीचे ये ढका हुआ है इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपने गार्डन का नया लुक दिखलाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपना नया गार्डन दिखलाना चाहती हूँ। मैंने नए तरीके से इसे गार्डन को अरेंज किया, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स आप सब लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स करके ज़रूर। दीवार पे पेंट करवाया था फ्रेंड्स ये मैंने। ये देखिए ये सारे ऑयल कैन मैंने एक तरफ लगा दिया। आप ये देखिए सारे ऑयल कैन। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए मेरे गार्डन का फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं, यहाँ से वहाँ तक सारे आप इंडोर प्लांट्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिन्हें मुझे ठंड से बचाने के लिए यहाँ रखना पड़ा। यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप भी लग जाती है फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे शाम के टाइम अपने कपड़ों से ढक देती हूँ इसे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो मेरा गार्डन बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये गार्डन। देखिए इसे भी मैंने दोबारा से पेंट कर दिया, मेरी बटरफ्लाई। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक नया ऑयल कैन बनाया जिसमें मैंने बोगनविलिया का प्लांट्स लगाया। अगर विंटर में ये फ्लावरिंग करेगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। देखिए दो तीन यहाँ पे मैंने कैन लगा रखा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बताइएगा फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये गार्डन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, बाय।